नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। उपचुनाव से ठीक पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली से पटना की ओर रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो पटना पहुंच जाएंगे, मगर आपको बता दें दिल्ली में ही पटना आने से पूर्व उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को एक ऐसे शब्द से अनुवादित कर दिया जो कि थोड़ा कठोर है, और साफ साफ बता दे कांग्रेस को यह बात खटक गई है। उन्होंने साफ कहा है कि भक्त चरण दास तो भक्छोनर दास हैं, उन्हें अभी राजनीति के बारे में नहीं पता है। मगर अभी यह बयान सियासी हलकों में बहुत गर्म हो चुका है। एक तरफ से कांग्रेस ने यह साफ कह दिया है कि उन्हें इस बात पर माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने दलित विरोधी बयान दिया है, क्योंकि इससे पूर्व जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पटना पहुंचे थे तो उनके कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जाने से इनकार कर दिया था। तेजस्वी यादव ने यह तर्क दिया था कि वह अकेले हैं, चुनावी सभा उन्हें करनी है, जिसके कारण वह कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। मगर जिस प्रकार से पटना रवाना होने से पूर्व दिल्ली में लालू प्रसाद यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है, तो अब बिहार की राजनीति इससे गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के बाद अब जेडीयू का भी लगातार बयान आ रहा है, जिसमें जेडीयू ने तीर छोड़े हैं लालू प्रसाद यादव पर और साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव दलित विरोधी आदमी हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लगातार उनकी पार्टी के द्वारा दलितों का विरोध होते रहा है, दलितों का उत्पीड़न होते रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली से पटना की ओर रवाना होने से पहले लालू प्रसाद यादव ने यह बड़ा बयान दिया है, उससे अब चुनावी समीकरण जरूर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व तेजस्वी यादव ने भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। मगर अब लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचने से पहले अब मामला और गंभीर हो सकता है, क्योंकि दलित विरोधी जो पार्टी का जो टैग है वो अब लालू प्रसाद के साथ साथ आरजेडी पे लग गया है। देखिए किस प्रकार नीतीश कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी ने यह साफ तंज कसा है और तीर छोड़े हैं लालू प्रसाद यादव पर कि पिता से पहले बेटे तेजस्वी यादव ने भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। इनकी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, उसी के रास्ते पर चलते हुए अब लालू प्रसाद यादव ने भी भक्त चरण दास को एक ऐसे शब्द से अनुवादित कर दिया है जो कि विवाद पैदा कर सकता है। उपचुनाव होने को है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव करीबन 2.5 सालों बाद दिल्ली से पटना लौट रहे हैं, और यह देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान से अब चुनावी समीकरण किस प्रकार बिगड़ सकता है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। लालू प्रसाद यादव को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा भी करनी है। देखिए अशोक चौधरी का यह बयान। यादव जी ने दलित विरोधी बयान दिया है, इनके बार बार इनके 15 साल के शासन काल में भी किस तरह से दलितों का नरसंहार हुआ ये सब लोग जानते हैं, और किस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में सामाजिक द्वेषता फैलाया और शासन करने का काम किया। लालू प्रसाद 100% दलित विरोधी हैं, इसीलिए किसी के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति राष्ट्रपति का कार्यक्रम का बहिष्कार करना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि राष्ट्रपति दलित परिवार के थे, उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। अब इस तरह का बात तो हम लोग दूसरे राजनीतिक दल के लोगों के बारे में भी नहीं कहते हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के महामंत्री के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया जो हम लोग मुंह से भी नहीं ले सकते। ये पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी पार्टी है और दलित विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत राजनीतिक दल है।